आपको पता होगा हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली में। शामली में एक संतरापाल जी के सानिध्य में एक भंडारा चल रहा था, जो धार्मिक भंडारा, और यहाँ पर हम आए हुए हैं। जो पूरा घूम कर देखा, यहाँ पर प्रदर्शनी एक लगी हुई थी, काफी अच्छी मोहित प्रदर्शनी लगी हुई थी। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, आइए उन्होंने से जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं आखिर ये प्रदर्शनी कैसी लगी हुई। नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अमन है, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का हूँ। तो सर मेरठ से आए? जी सर। आप फर्स्ट पहली बार आए? जी मैं पहली बार आया। तो सर आपने संत रामपाल जी के जुड़े हुए? नहीं अभी मैं जुड़ा नहीं हूँ, अभी मैं ज्ञान प्राप्त करना है। सर आपने यहाँ पे घूमा होगा? जी अभी, हाँ अभी मैं अभी इस प्रदर्शनी में घूमा हूँ, और बस अभी भोग लिया है, अभी भंडारे में नहीं गया। सर कैसा लगा इस प्रदर्शनी में? हमने देखा काफी पोस्टर लगे हुए हैं संत रामपाल जी। जी मैंने, मुझे जो साथ में जो भक्त लोग थे उन्होंने पूरा मुझे समझाया, ज्ञान सारा ज्ञान समझाया, वो मैं समझाऊँ। अब जब मैं घर जाऊंगा, अभी मैं ऐसा डिसीजन नहीं लिया, मैं पूरे ज्ञान के साथ अगर नाम लूंगा तो मैं उसी के लिए पूरा सारी चीज़ सत्संग देखना चाहूंगा, सारी चीज़ करना चाहूंगा, उसके बाद मैं नाम लूंगा। सारी चीज़ मुझे पूरी ठीक समझ में आई है जी। तो सर आपको कुछ ग्रंथ भी दिखाए गए? हाँ सारे ग्रंथ दिखाए गए, भगवद गीता दिखाई गई, सारे वेद दिखाए गए, पुराण दिखाई गई, सारे और धर्मों के भी वेद दिखाए, और धर्मों की भी किताबें दिखाई गई, सब में स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं। तो सर ये सही बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, पूरा स्पष्ट ज्ञान है, ऐसी वो नहीं है कि हवाई बातें नहीं है, इनकी बातें नहीं है, पूरा जो वेदों में लिखा है वही बातें बात है। सर एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा, सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं दहेज नहीं लेते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर बहुत लोग दहेज के लिए बहुत एक परेशान रहते हैं। अभी मेरा मुझे उसका वो नहीं, मैंने देखा है कि यहाँ पे मतलब दहेज रहित विवाह होता है, वो अगर ऐसा मैंने देखा नहीं है तो मैं आपको इस बारे में भी पूरा बता नहीं पाऊंगा। नहीं एक हमने सुना है कि महूम चला रहे हैं दहेज मुक्त की, अच्छा इस पे जो अन्य लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी अब ये बहुत एक अच्छी राह है, क्योंकि लड़की का विवाह होना एक बहुत मुश्किल यही हो जाता है कि तुम दहेज इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी चली जाती है। एक शादी करने के लिए हम लाखों रुपए लगा देते हैं, और वो एक दिन के फंक्शन पर लोग आके बात बना के चले जाते हैं, उसमें पूरी कमाई चली जाती है। अगर बिना उसके बिना दहेज के विवाह हो रहा है तो ये बहुत अच्छी पहल है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुना यहाँ पे जो लोग आए हुए थे इस आश्रम में शामली में, उन्होंने बताया जो यहाँ की व्यवस्था है, जो ग्रंथ है यहाँ पे उनको खोल के दिखाया गया, हर एक चीज़ प्रमाणित दिखाएगी। इसी तरह खबरें देखने के लिए बने रहे।